कुछ ऐसा ही स्पंजी और यमी ढोकला हम बनाएंगे घर पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शानू। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे खमन ढोकला बनाना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो खमन ढोकला बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप बेसन, 1 कप सूजी, 1 कप दही और नमक स्वाद अनुसार। मिक्सिंग बाउल में बेसन को ऐड कर देंगे, साथ ही साथ हम उसमें 1 कप सूजी ऐड कर देंगे। 1:1 प्रपोर्शन रखा है हमने। नमक स्वाद अनुसार इसमें डाल देंगे और करीब 1 ही कप मैंने यहाँ पे दही डाल दिया है, ये होममेड दही है। 1 चम्मच तेल खाने वाला और 1 चम्मच इसमें आप शक्कर डाल दीजिए, जिससे बहुत अच्छा जाला पड़ता है। इन सब को आप मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद अगर आपका बैटर थोड़ा ऐसा दिखता है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड की दीजिए। पानी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बैटर कुछ ऐसा स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको ढक के रख देना है करीब आधा घंटे के लिए। बैटर को 20 मिनट हो चुके हैं रेस्ट पे। मैं क्या करूँगी, खमन का कुकर जो है वो चढ़ा दूँगी, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी और इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। जो ट्रे है उसमें मैं थोड़ा ऑयल लगा दूँगी ग्रीसिंग के लिए। अब आधा घंटा हो चुका है, मैं इसमें 1 पैकेट इनो का ऐड करूँगी। इनो डालने के बाद ये हमारा बैटर बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा, बहुत यमी बनेगा। कुछ इस तरह ये बैटर हमारा तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में डालती हूँ। प्लेट में आप डाल दीजिए इसको, पूरी प्लेट नहीं भरनी है, थोड़ी प्लेट भर के आप डाल दीजिए और इसको टैप कर दीजिए, जिससे एयर बबल सारे निकल जाएंगे। अब पानी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ये प्लेट रख दूँगी सावधानी से, क्योंकि ये बहुत गर्म है। अब इसको ढक लगा दीजिए और करीब हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाइए। तब तक मैं हरी मिर्ची है वो कट कर देती हूँ और हमारा बघार भी लगा देते हैं। एक कढ़ाई लीजिए, उसमें 1 चम्मच तेल डालना है। तेल गर्म होने के बाद हमें डालनी है 1 चम्मच राई। राई जब तड़कने लग जाए तो डालना है 1/2 चम्मच जीरा और उसके बाद हमें डालनी है लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्च। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हरी मिर्ची ज़्यादा ही डालिएगा। अच्छे से मिक्स कर दीजिए 2 मिनट के लिए सौते अच्छे से। जब वो पक जाए 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड कर दीजिए और डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। पानी को बॉईल आने दीजिए। करीब मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला है, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल दीजिए। 1 चम्मच शक्कर, 1 या 2 चम्मच आपके हिसाब से, और 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करने के बाद एक बॉईल ऑयल लीजिए और हमारा बघार रेडी है। करीब 10 मिनट ये मीडियम फ्लेम पे रहा था हमारा खमन, और अब नाइफ़ डाल के देखिए, अगर पक चुका है, कुछ नहीं निकला है, इसका मतलब हमारा खमन रेडी है। निकाल दीजिए, थोड़ा ठंडा होने दीजिए और इसको हमें अपसाइड डाउन करना है, मतलब ज़्यादा जिस साइड था वहाँ पर रख देना है उल्टा करके। अब इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इसमें जो हमारे तड़का वाला पानी था, खट्टा मीठा सा यमी यमी सा जो पानी था, हम इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। साथ ही साथ मैं इसमें कटी हुई धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ, धनिया पत्ती से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।